जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज आवर चैप्टर नंबर 9। आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जिसका नाम है जी सॉल्यूशंस। पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि व्हाट डू वी हैव टू कवर, इस चैप्टर में हमने कवर क्या करना है। फिर सेकंड जो हमने देखना है वो ये होगा कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला जो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर होता है वो हम हमेशा एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि इस चैप्टर्स के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं या उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में। तो सॉल्यूशंस की अगर आप बात करें तो सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन इज़ बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनता है, जिसके अंदर एक चीज़ होती है सोल्यूट जो कि लेसर क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करते हैं, एंड द अदर चीज़ इज़ दी सॉल्वेंट जो कि लार्जर क्वांटिटी में हम इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, सोल्यूट इज़ दैट थिंग इन अ सोल्यूशन विच इज़ डिज़ोल्व्ड, जो कि हल होती है, और सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो कि हल करती है। सॉल्वेंट इज़ दैट थिंग विच डिज़ोल्व्स, ये डिज़ोल्व करता है और ये डिज़ोल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अगर एक कंटेनर के अंदर वाटर मौजूद है और इस वाटर के अंदर मैं कुछ सॉल्ट की क्वांटिटी ऐड करता हूँ, एक टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट मैं ऐड कर देता हूँ, 10 ग्राम सॉल्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐड किया, तो सॉल्ट इस वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और जो मेरे पास चीज़ बनेगी दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास क्या है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन आया, इसके अंदर दो चीज़ें थी, एक था आपके पास वाटर, तो वाटर ने नमक को अपने अंदर डिज़ोल्व किया, तो जो चीज़ डिज़ोल्व करती है या जो लार्जर क्वांटिटी में होती है वो कहलाती है जी सॉल्वेंट, और वो चीज़ जो कि लेसर क्वांटिटी में होती है या डिज़ोल्व होती है जो कि इस केस में सॉल्ट है वो कहलाता है सोल्यूट। तो अब आप अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो आपके पास आपकी तमाम की तमाम लाइफ जो होती है वो सॉल्यूशंस के गिर्द जो है वो घूम रही होती है। आप ह्यूमन बॉडी को देख लें, ह्यूमन बॉडी का सबसे बेसिक कंपोनेंट है जी ब्लड, एंड ब्लड इज़ व्हाट, अ सॉल्यूशन। इसके अंदर डिफरेंट जो हैं आपके पास ब्लड की कंपोजिशन अगर आप देखें तो डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो डिज़ोल्व हुई होती हैं। सिमिलरली आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेल होता है, और सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है दैट इज़ अ सॉल्यूशन। सिमिलरली आपकी डेली लाइफ में जितने भी आप जिनसे हैं, आपके पास केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, आपके पास बहुत सारी मेडिसन हैं जो कि सीरप्स की शक्ल में आपके पास आती हैं, दे आर ऑल व्हाट, सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, और इस वजह से हम इसको अपनी जोनसी है केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं। अब सॉल्यूशन की अगर हमने बात की तो बेसिकली जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, उसका हम तजज़िया करते हैं, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और वो इंफॉर्मेशन फिर हम रिपोर्ट करते हैं। तो एनालिसिस के केस में या फिर जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट चीज़ों की, तो हम सॉल्यूशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अदर देन द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के अंदर हमने बेसिकली इस चैप्टर में सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। अब हम चलते हैं स्टेप वाइज के इस चैप्टर को हमने कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहले वो आपके पास इस चैप्टर में आपकी बेस को सेट करेगा, और बेस को सेट कैसे करेगा कि सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के बारे में बताने के बाद सॉल्यूशन को जो हम रिपोर्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन,
ये जो अगर आप अपने 8वें चैप्टर को रिकॉल करें तो जिसमें हम तमाम की तमाम अगर एक ए स्पीशी थी तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन को लिखते थे। तो कंसंट्रेशन इज़ बेसिकली आपकी किसी भी सोल्यूशन के अंदर उस चीज़ की क्वांटिटी कितनी मौजूद है वो हम रिपोर्ट करते थे। अगर आप याद करें 8वां चैप्टर तो इसके अंदर हम इसके यूनिट्स लेते थे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता था कि एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर उसके कितने मोल्स हैं, 1 लीटर के अंदर उसके कितने मोल्स मौजूद हैं, तो वो उसकी कंसंट्रेशन हमें बताती थी। तो शुरू के अंदर जो आपकी बेस सेट करेगा इस चैप्टर में वो कंसंट्रेशन यूनिट्स के हिसाब से करेगा कि हम कंसंट्रेशन के कौन कौन से यूनिट्स जो उनसे हैं वो ले सकते हैं जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। वो तीन चार तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर वेट वॉल्यूम, वेट वेट, वॉल्यूम वेट और वॉल्यूम वॉल्यूम बेसिस के ऊपर हमारे पास ये यूनिट्स आते हैं। ये चार डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनको हम डिटेल में जो है अपने टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो जब वो शुरू में आपकी बेस सेट करेगा अबाउट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जब आपके कंसंट्रेशन के यूनिट्स डेवलप हो जाएंगे, जब आपको उनकी समझ आ जाएगी, फिर वो आगे लेके जाएगा आपको दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो कि है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इस चैप्टर की बेसिस हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपके पास आगे चल के भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है। अगर आप इसको फर्दर स्टडी करेंगे या यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट सही से लेके नहीं चलेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आने वाली केमिस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करेगा। तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आर दी टू कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस के हम कहते हैं जी, मैं कहता हूँ मेरे पास एक सॉल्यूशन है ये 5 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब होगा? मैं कहता हूँ जी 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो आपको इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? वो बताएगी इसकी मोलैरिटी 5 मोलर का मतलब है कि उसकी मोलैरिटी क्या है, 5 है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास जो है वो डेवलप करेगा इस चैप्टर में, और जब ये डेवलप करेगा उसके बाद फिर हमें जो है वो बताएगा अबाउट दी मोल फ्रैक्शन। ये भी एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी आने वाली कैलकुलेशंस में जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मोल फ्रैक्शन। वो ये मोल फ्रैक्शन क्या होती है कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं ए बी और सी, तो अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये सारा का सारा मेरे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है जो कि तीन चीज़ों से मिलके बना है, ए बी और सी से, तो उसके अंदर ए का कितना हिस्सा है, बी का कितना हिस्सा है और सी का कितना हिस्सा है वो हमें बताएगी ए बी और सी की मोल फ्रैक्शन। और वो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूलाज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे और अपनी एग्जांपल्स की मदद से जो है वो समझेंगे। और मोल फ्रैक्शन के बाद वो एक आखिरी यूनिट जो है वो बताएगा जो कि कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि अगर मेरे पास 1 मिलियन यूनिट्स हों किसी चीज़ के, तो उसके अंदर मेरा सोल्यूट कितने यूनिट है। मैं कहता हूँ जी 1 मिलियन यूनिट हो मेरे पास सॉल्वेंट का, तो मेरे पास उसके अंदर 5 पार्ट्स जो उनसे हैं वो सोल्यूट के होंगे, तो मैं उसकी कंसंट्रेशन क्या लिखूँगा कि इसकी कंसंट्रेशन 5 पार्ट्स पर मिलियन है, कि 1 मिलियन में इसकी कंसंट्रेशन 5 पार्ट है। ये 1 मिलियन के अंदर 5 पार्ट्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, 10 लाख यूनिट्स हों सॉल्वेंट के और उन 10 लाख में 5 यूनिट्स हैं मेरे पास सोल्यूट के, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो जब भी किसी चीज़ के अंदर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सोल्यूट मौजूद हो तो फिर हम उसके यूनिट्स ले लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम आम जुबान में पीपीएम लिखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ तक आपकी जो बेस थी ना उसने वो सेट कर दी इस चैप्टर के अंदर। हम करेंगे आगे चल के कि आपको तमाम के तमाम यूनिट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का पता लग गया, आपको मोल फ्रैक्शन का पता लगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है अबाउट पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन वो डेवलप हो गया। यहाँ पे जब आपकी वो डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से बेस सेट कर देगा और आपको उनकी इंटर कन्वर्जन आ जाएगी यूनिट्स की, कि एक यूनिट में अगर कंसंट्रेशन है तो मुझे दूसरे यूनिट में लेके जाना है तो मैं क्या करूँगा, तो उसके बाद हम जो है सॉल्यूशन को समझना शुरू करेंगे। उसके बाद आएगा आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस।
इसी चैप्टर में फिर वो हमें सॉल्यूशंस की डिफरेंट टाइप्स बताएगा। अब सॉल्यूशन की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, वो बेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास सॉल्वेंट जो है वो हो लिक्विड, और इसके अंदर मैं गैस को एज अ सॉल्यूट डिसॉल्व करवाऊँ तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, मैं लिक्विड के अंदर लिक्विड को ही एज अ सॉल्यूट इस्तेमाल करवाऊँ तो क्या बनेगा, और मैं लिक्विड के अंदर सॉलिड को एज अ सॉल्यूट डिसॉल्व करवाऊँ तो कैसे सॉल्यूशन बनेंगे। सिमिलरली अब मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ अपना गैस, अब मैं गैस के अंदर गैस को सॉल्यूट के तौर पे जमा करवाऊँ सॉल्यूशन बनाऊँ तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, गैस के अंदर लिक्विड को मैं एब्जॉर्ब करवाऊँ तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, और गैस के अंदर सॉलिड को मैं डिसॉल्व करवाऊँ तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा। और सिमिलरली अगर मैं सॉलिड अपना सॉल्वेंट ले लेता हूँ तो फिर उसी तरह मेरे पास ये तीन डिफरेंट टाइप्स बनेंगी। तो इनके ऊपर जो है एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो सा है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो सी हैं वो आती हैं। उसके बाद जब ये सारी डिस्कशन हम कर लेंगे तो फिर इस चैप्टर के असल जो उनसे हिस्सा है, इस चैप्टर की जो असास है, जो इस चैप्टर की बेस है, उसकी तरफ हम जाएंगे, जो कि है जी राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बहुत ही ज़्यादा सिंपल लॉ है और आपके पास इसकी एप्लीकेशन सॉल्यूशंस के अंदर बेशुमार जगहों पे मौजूद हैं। राउल्ट्स लॉ इज़ द बेसिक लॉ ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे कि अगर आप रिकॉल करें तो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था इक्विलिब्रियम के केस में, और उसी लॉ ऑफ मास एक्शन को लेके हम तमाम का तमाम काम जो है वो करते रहे थे अपने पूरे इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। राउल्ट्स लॉ जो है वो सॉल्यूशन के केस में एक बेसिक तरीन लॉ की हैसियत रखता है। अब सॉल्यूशंस जो उनसे हैं ना, दे बेसिकली आर टू टाइप्स, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर 3 को तो उसमें भी आइडियल गैसेस थी और रियल गैसेस थी, नॉन आइडियल गैसेस थी। सिमिलरली सॉल्यूशंस भी जो होते हैं या वो आइडियल होते हैं या वो नॉन आइडियल होते हैं। दो सॉल्यूशंस जो कि आपके पास राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ को हम उसके अपने रिलेटेड टॉपिक के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे, और इसकी मैथमेटिक फॉर्म को जो है वो हम डिराइव करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो हमारे पास राउल्ट्स लॉ है, जो कि हम अपने वक्त आने पर स्टडी करेंगे, और उस राउल्ट्स लॉ के ऊपर जो सा है काफ़ी लंबी जो सी हैं डिस्कशंस आपके पास चलती रहेंगी। अब जब आप राउल्ट्स लॉ और उससे रिलेटेड डिस्कशंस को जो है वो स्टडी कर लेंगे तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है अबाउट सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी से रिलेटेड हमने अपने लास्ट टॉपिक ऑफ लास्ट चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्टडी किया था, जिसमें हमने सोलुबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने जनरली जो उनसा है थोड़ा सा सोलुबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होती है। यहाँ पर हम सोलुबिलिटी को डिटेल्ड का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, सोलुबिलिटी क्या होती है, सोलुबिलिटी कर्व क्या होता है। ये एक ग्राफ होगा जिसको हम डिफरेंट केमिकल्स के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए स्टडी करेंगे। ये सोलुबिलिटी कर्व्स जो सी हैं हमारे पास हमें डिफरेंट बताएंगी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सा है वो सोलुबिलिटी जो है वो किस तरह से डिफरेंट होती है। सोलुबिलिटी होती क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 100 ग्राम वाटर है, और यहाँ पर भी मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, इसके अंदर मैंने 50 ग्राम्स NaCl ऐड करवाया, इसके अंदर मैंने 50 ग्राम्स CaCO3 ऐड करवाया। तो अब होगा क्या कि CaCO3 के 50 के 50 ग्राम्स इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, वो हो सकता है कि 30 डिसॉल्व हो जाएं, बाकी के नीचे बैठ जाएं। इसके 50 के 50 ग्राम्स जो से हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो क्या फ़र्क क्यों हुआ कि इसके 50 हुए और इसके 50 नहीं हुए, वो इस वजह से कि इनकी सोलुबिलिटीज़ जो सी हैं वो डिफरेंट हैं। ये वाटर के अंदर ज़्यादा सोलुबल है, ये वाटर के अंदर लेस सोलुबल होगा। तो डिफरेंट जो से हैं हमारे पास केमिकल्स की सोलुबिलिटी कर्व्स को हम स्टडी करेंगे, और सोलुबिलिटी कर्व्स की टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, जिनके अंदर कॉन्टिन्यूस सोलुबिलिटी कर्व है, डिसकॉन्टिन्यूस सोलुबिलिटी कर्व एंड बस ये दो ही हैं हमारे पास जिसके अंदर हम कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस सोलुबिलिटी कर्व्स को हम
स्टडी करेंगे इस सोलबिलिटी कर्व के चैप्टर के अंदर। यहाँ तक हम अपने चैप्टर का जो है 2/3 पार्ट वो ख़त्म कर चुके होंगे। उसके बाद जो इसके अंदर चीज़ आती हैं वो आती हैं जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं आपके पास, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट। इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनाते वक्त कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं किसी भी सॉल्यूशन की, वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये बेसिकली चार प्रॉपर्टीज हैं जिनको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो पहला है जी कि वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब भी आप सोल्यूट को ऐड करते हैं सोल्यूशन में तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसको हम डिटेल में अपनी डिस्कशन जब आएगी तो हम उसको समझेंगे। दूसरी इसके अंदर होती है जी के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब भी आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड करवा के सोल्यूशन बना देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन बनने की वजह से चेंज होती है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी मैं किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल के उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो अब जो सॉल्यूशन बन गया होगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एंड नंबर फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका प्रेशर क्या होता है, ये डिटेल डिस्कशन हम इसके टॉपिक के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास चार डिफरेंट लंबे प्रॉपर टॉपिक्स होंगे जिनके अंदर हम ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड हम जो डेरिवेशंस हैं वो स्टडी करेंगे और उनको फाइंड आउट करने के मेथड्स को भी हम जो है वो स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और मैंने उसको सॉल्यूशन को तैयार किया और उसके बॉइलिंग पॉइंट में कमी वाकया हो गई, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ गया, एलिवेट हो गया, या उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई, तो मैं किस मेथड से उसके फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर आने वाली कमी को मैयर कर सकूंगा या कैलकुलेट कर सकूंगा, तो उसके लिए हम इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स जो सी हैं वो बनाएंगे। इन चारों प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ जाएंगे इस चैप्टर का, जो कि है एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक होगा ये हमें ये बात बताएगा कि जब भी मैं एक सॉल्यूट को उठा के एक सॉल्वेंट के अंदर डालता हूँ तो उसके अंदर एनर्जी के चेंजेस जो उनसे हैं वो क्या आते हैं, एनर्जी किस कदर चेंज होती है, एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, या रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो एनर्जी क्या कहलाती है, और इससे रिलेटेड डिफरेंट आयंस जिसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स जो कि हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो हम स्टडी करेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, इससे आपको अब इन तमाम टॉपिक्स को देखते हुए आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट कितना है और ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपकी आने वाली लाइफ में जब जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये कितने जो उनसे हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड देयर इज वेरी वेरी इजी टॉपिक्स। अब अगर हम इस चैप्टर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमने इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपकी बुक में अगर कोई चैप्टर्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर
9 है। इस 9 में जो हम एग्जांपल्स डिफरेंट सॉल्व करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो इस चैप्टर में आपका ज़्यादा जोर जो सा है वो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर भी होना चाहिए कि इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अक्सर पूछ ली जाती हैं, ख़ास तौर पर जब हम मोलैरिटी और उनके यूनिट्स कन्वर्जन और उससे रिलेटेड जो उनसे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्टरी टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है डिटेल वाइज इसको चैप्टर टू टॉपिक टू टॉपिक हम चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे।